सिवनी जिले के आदिवासी थाना क्षेत्र आधे गांव में ग्राम अटारी में मानव तस्करी का एक मामला सामने आया है, जहां डीजा द्वारा अपनी साली को 40,000 रुपये में बेच देने की शर्मनाक घटना सामने आई है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने बताया कि आधे गांव थाना में एक मामला सामने आया है। मामला उस समय उजागर हुआ जब ग्राम खमारिया खजूर में रहने वाले उसके जीजा हल्केश परते ने अपनी साली को पहले शादी कराने का बहाना बनाकर नरसिंहपुर ले गया और जहां उसने 40,000 रुपये में एक युवक से शादी करा दी और शादी के बाद इस युवक ने उस महिला से शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे राहतगढ़ अपने मित्र के यहाँ छोड़ दिया। महिला को जब इस बात का आभास हुआ कि उसे बेचा जा रहा है तो उसने किसी तरह आधेगांव थाना में जाकर पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला के जीजा हल्केश परते राहतगढ़ निवासी दारा सिंह जाट और धर्मेंद्र जाट सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। इसमें हमारे पास शिकायत आई थी कि एक 22 वर्षीय युवती जो थाना आदिगांव क्षेत्र की रहने वाली, उसको उसके जीजा ने उसको लेकर गया शादी कराने के बहाने कि मामा के घर शादी के लिए लड़का आ रहा है, देखने चलो चलते हैं, और रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ भी की और उसको ले जाकर 40,000 रुपये लेकर एक व्यक्ति को बेच दिया जिसने उसके साथ शादी कर ली और उसके बाद उसको छोड़कर किसी अन्य आरोपी के घर छोड़कर उसको चला गया। तो सूचना मिलते ही लड़की को भी दस्तयाब किया गया और 3 आरोपी उसमें गिरफ्तार कर लिए गए। शादी इनकी नरसिंहपुर में हुई है और ये जो आरोपी गण है ये भी शादी में सम्मिलित हुए थे और जो एक आरोपी है उससे पैसे लेकर मुख्य आरोपी ने उसके जीजा को दिया था 40,000 रुपये और उसके बाद लड़की को हमने सूचना मिलने पर नरसिंहपुर शिव राहतगढ़ में बरामद किया। क्या धारा इसमें? प्रकरण में धारा 376, 370, 368, 366 के तहत कार्रवाई की है और इसमें SC/ST की धाराएं भी सम्मिलित हैं। मानव तस्करी से जुड़ा हुआ खरीद फरोख्त हुई है तो कह सकते हैं कि मानव तस्करी का मामला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।